आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अब हम बैठे हैं यहाँ पे, नहा लिए हैं और अंदर की सफाई हो गई है, बाहर की अभी बाकी है, बाहर की मैं अभी करूँगी। और रात भर से लाइट नहीं है क्योंकि रात को तूफान बहुत तेज आया था, तो अभी लाइट है ही नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं दोनों। बाहर बैठे हैं, अंदर अंधेरा है काफ़ी, और यहाँ बैठे हैं। और सुबह से अभी 11 बज चुके हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक, मैं पानी ही पी रही हूँ और दो बार ब्लैक कॉफ़ी ली है। और मनु ने तो कुछ खा लिया है, क्या खाया है, रात के पकोड़े थे थोड़े से, वो खाए हैं क्योंकि किचन में काफ़ी अंधेरा था। अब ठीक हो गया है, रोशनी आ गई है वहाँ पर, तो अभी मैं इसके लिए कुछ बनाऊँगी और खाऊँगी। और मैं सुबह से गाइस पानी ले चुकी हूँ काफ़ी, ये देखो ये तो मेरे हाथ में रहता ही रहता है, इसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये गुनगुना पानी ही मैं एनी टाइम लेती हूँ, ये मुझे इसकी आदत लग चुकी है, तो इसके बिना अच्छा भी नहीं लगता। ठंडा तो मैं पी नहीं सकती, यही पानी मैं लेती हूँ एनी टाइम। ऐसे पानी पीना आपने थोड़ा थोड़ा लेके, इसमें मेरे को काफ़ी मतलब लग जाएगा, 3 से 4 मिनट लग जाएगी इस पानी को पीते पीते। ये गिलास है और मैं दिन का 3 या 3.5 लीटर तो लेती ही लेती हूँ पानी, ग्रीन टी रह जाती है अलग। तो दो गाइस ध्यान, इससे वेट लॉस जरूर ही जरूर होगा। और क्या आपने हमारे बारे में जानना है, कैसे मैं क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ, मुझे कमेंट किया करो गाइस, तो मैं बता पाऊँगी आपको क्या जानना चाहते हो, तो सब मैं बताऊँगी। और मैं आपके साथ हूँ तो वेट लॉस ज़रूर कराऊँगी, मैं पूरा वेट लॉस करके भी आ सकती थी आपके सामने, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ मिल के करूँ, मेरा भी बढ़ेगा आपके साथ, मन अच्छा लगेगा और आपका भी, तो साथ मिलके अपन करते हैं। और मैं अभी यहाँ की सफाई करूँगी, अंदर की मेरी हो चुकी है कंप्लीट। ये देखो कितना गंदा हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, तो ये सफाई करेंगे। रात भर से तूफान बारिश ये सब हैं और लाइट तो है ही नहीं आज, तो हम काफ़ी परेशान हैं दोनों, यहाँ बैठे हैं आराम से और अपने पानी के साथ इसको एंजॉय कर रहे हैं। और करती हूँ मैं सफाई, दिखाती हूँ और क्या बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, और कैसे खाती हूँ ये सब मैं बताऊँगी, आपके साथ हूँ मैं। और देखते हैं आप क्या हमको पसंद कर रहे हो, क्या हम दोनों पसंद आते हैं आपको, थोड़ा मस्ती के साथ करते हैं अपना वेट लॉस, तो मज़ा आएगा गाइस काफ़ी। हमारे साथ जुड़े रहें आप और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो हमें और लगे रहो। तो गाइस मम्मा की सफाई शुरू हो चुकी है, यहाँ पर मिट्टी विट्टी साफ़ कर देंगे थोड़ी सी देर में, फिर बाद में साइकिल को थोड़ा सा साइड पकड़ के मिट्टी विट्टी साफ़ करेंगे मम्मा। सब मैंने सफाई कर दी थी लेकिन लड़के को पसंद नहीं आई, क्यों नहीं पसंद आई, क्योंकि पानी था ही नहीं गाइस, तो मैं कैसे करती यहाँ से साफ, जितना मोटा मोटा मेरे से हुआ मैंने कर दिया, पानी मेरे को आज नहाने को ही कम मिला है, लाइट ही नहीं है तो ऊपर टंकी में पानी था ही नहीं, जितना था उसी से हम काम चला रहे हैं आज थोड़ा थोड़ा करके, तो इसको अच्छा नहीं लगता, इसको सफाई ज़्यादा पसंद है, साफ सुथरा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। सिर्फ मैगी मैगी खाता हूँ, हेल्दी चीज़ें भी खाता हूँ मैं। माँ क्या हुआ? आज मेरे दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हो गया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? वो हम साइकिल चला रहे थे फिर बाद में ना उसने रॉन्ग साइड में से ना घुमा ली, फिर बाद में ना मेरी साइकिल उसके अंदर ठुक गई, फिर बाद में इसको बोला आराम से नहीं चला सकता क्या, फिर वो झगड़ा करने लग गया। तो क्या हो गया? तो तू आ जाता घर पे, झगड़ा नहीं करते किसी से, मैंने सिखाया ना तेरे को झगड़ा नहीं करना किसी से भी,
और गाइस अभी लाइट आई थी, 2 मिनट के लिए अभी चली गई है वापसी से, देखते हैं कब आती है। फ़ोन की बैटरी भी लो है, इसी से बनाते हैं हम ब्लॉग वगैरह आपके लिए। और मनु का हो चुका आज मूड ऑफ, लेकिन मैं कर दूंगी ठीक इसको, मुझे आता है इसको ठीक करना, तो हंसा दूंगी इसको। अभी इसको मैंने बनाना दिया, वो खा रहा है ये। तो गाइस मम्मा ने मेरा मूड ठीक कर दिया है, अभी मैं थोड़ा सा ठीक हो चुका हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, मेरी मम्मा भी बहुत शरारत करती है, वो भी शरारत करते करते देखती है। तो चलो दिखाता हूँ आपको अभी मम्मा क्या कर रही है, ठीक है, चुपके से दिखाता हूँ, ठीक है, पर्दे के पीछे से थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखा आपने मम्मा की शरारत, तो क्या पता वो एडिट करते टाइम, इस वीडियो को एडिट करते टाइम वो ये सब काट दी, लेकिन मैं हूँ ना, मैं काटने नहीं दूंगा, मैं उनको काटने नहीं दूंगा, मैं कह दूंगा कि है ना इसको दिखाना ही, आपको पक्का दिखाना ही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आ चुकी हूँ किचन में अब, और मैं बनाऊंगी आज ग्वार के फली की सब्जी। और मैंने इसको हल्का सा उबाल लिया था पहले, काट के साफ सुथरा धो के, ये देखो इसको उबाल के रख रखा है मैंने, ये देखो हल्का सा उबाल लिया था। मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो इससे टेस्ट अच्छा आता है, अगर ऐसे ही काट के बनाए, आलू डाल के भी बनाते हैं कई लोग, तो वो उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये देखो मैंने प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्ची सब काट लिया है, और ये तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आज ये सब्जी बनेगी हमारे यहाँ पे, और अच्छी रहती है ये हरी सब्जी। अगर मैं इसको ऐसे भी खाती हूँ गाइस, कि इसको हल्का सा उबाल के इसमें प्याज टमाटर नींबू मिर्च डाल के खा लेती हूँ तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो आज मैं वैसे ही ऑलरेडी लेट हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं। और देखो हमारे यहाँ पे गैस वैस चूल्हा साफ नहीं है गाइस, तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि पानी नहीं है। अब तो लाइट आ चुकी है, पानी आ गया है, और मैं सब्जी वगैरह बना के खाना बना के फिर साफ कर लूँगी, दिखाऊंगी आपको। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, बना के देखना इस तरीके से, और मुझे बताना कि आप भी ऐसे ही बनाते हो। और अब डाल देते हैं इसमें लहसुन, अब इसमें जाएगा प्याज, इसको हल्का ब्राउन होने देते हैं अपन। ये देखो प्याज हो चुका है ब्राउन, मैंने मम्मी को बुलाया है यहाँ पे क्योंकि कैमरा पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर। जब तक अपन आटा लगाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, तो आटा लगाएंगे थोड़ी देर, जब तक ये पकता है तो टाइम वेस्ट क्यों करें अपन, पहले से ही लेट हैं। तो यहाँ पे आटा लगा देते हैं, और ये देखो कितने सारे तो मेरे बर्तन पड़े हैं, इनको भी मैं साफ करूंगी अभी, आटा लगा के रख देती हूँ। ये देखिए मैंने ये डाल दिया अभी इसमें, टमाटर अपना हो चुका था, और ये मैंने डाल दिया है अब ग्वार की फली इसमें, और अपनी सब्जी का कलर कुछ ऐसा है। अभी थोड़ी देर इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट, तो अच्छा हो जाएगा इसको
वैसे ये पकी हुई तो है ग्वार की फली, अपने पहले से उबाल के रखा था इनको, लेकिन थोड़ा सा और होने देते हैं अभी, हल्का सा। और आटा मेरा लग चुका है यहाँ पे, ये सब्जी बन जाए फिर अपन रोटियाँ बनाएंगे। और जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ, काफ़ी फड़े हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस मैंने मन्नू को रोटी बना के दे दी है, और अब मैं मेरे लिए बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ। ये मैंने आटा लगा लिया है, इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। ये थोड़ा सा टाइट होता है, अभी इसकी रोटी बनाऊंगी तो मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती इसकी रोटी, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनती है, हल्का फुल्का देखते हैं। लेकिन ये बहुत टाइट आटा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मेरी गेहूँ के रोटी खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने मल्टीग्रेन आटे की बनाई। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मल्टीग्रेन ही आटे की खाती हूँ, गेहूँ की भी खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर अपन चेंज करके खाते हैं ना, तो और भी अपनी बॉडी जल्दी से वेट लॉस करती है, अपने वेट को जल्दी गिराने की कोशिश करती है, और इस वजह से मैं बदल बदल के खाती हूँ गेहूँ। कल तो मैंने गेहूँ की खाई थी, लेकिन आज इच्छा नहीं थी मेरी। और ये देखिए ऐसे बनती है मुझसे, तो अपने को ही खानी है, मैं बना लेंगी जैसे बनती है। बनने के बाद मैं आपको पक्का दिखाऊंगी कैसी बनती है, और खा के भी दिखाऊंगी। तो मेरी रोटी बन गई है गाइस, मैं लेके आ गई हूँ, और ये देखिए मेरा लंच, ये वो गवार की सब्जी, दही, और ये रोटी ऐसी बनी मुझसे। अब मैं आपको ये चू करके दिखाती हूँ मैं कैसे खाती हूँ। मेरा वाइट इतना होता है, इतना सा वाइट होता है, और सब्जी लगाऊंगी मैं इसमें, और दही लगाऊंगी। ये देखिए सब्जी और दही मैंने इसमें लगा ली है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कैसे चू करती हूँ 32 बार। तो मेरा गाइस 50 बार हो चुका है, और ऐसे ही खाती हूँ मैं 32 बार चू करके। इतना ही आपने बाइट लेना है, और सबसे ज़रूरी है कि अपने मुंह को बंद करके चू करिए। अगर आप खोल के करोगे तो वो जल्दी अंदर चला जाएगा, क्योंकि अपने वो हवा उसको धकेल देगी। तो आप हमेशा मुंह बंद करके ही 32 बार चू करिए, माइंड को सेट करके चू करिए। और कितना अच्छा फॉर्मूला है, कुछ भी खाओ लेकिन 32 बार चू करके खाओ तो वेट लॉस होता ही होता है। मैं स्वीकार सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सर आपने हमें ये फॉर्मूला दिया, हम तक पहुँचाया, और हमें हिम्मत डाली। नहीं, हमारी हिम्मत कहाँ कि हम लोगों के सामने आ सकें, इतना कुछ बोल सकें, सब सर आपकी वजह से है। आपको तहे दिल से धन्यवाद है सर, जो आपने हमें ये फॉर्मूला दिया। इसे वेट लॉस होता भी है, और हिम्मत भी आती है सबके सामने बोलने की, चलने की। आज हम में जो कुछ भी हिम्मत है वो सबके सामने है सर, आपकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं। और यही इसी तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे देखकर मोटिवेट हुए, मैं कैसे खाती हूँ कैसे पीती हूँ मेरी लाइफ देखें, और मैं लोगों की हेल्प करूँ इस जरिए। तो मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, करो आप सब अपने माइंड को सेट करके करो वेट लॉस, अच्छे तरीके से होगा। जितनी मदद मुझसे होगी मैं आपके सामने आती रहूँगी हर एक नई वीडियो के साथ। तो लग जाओ गाइस 32 बार।